बैंक ऑफ महाराष्ट्र शेयर को। नतीजे और आ रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नतीजे, आइए आपके सामने अब पेश करते हैं जो नंबर्स इस वक्त हमारे पास आ रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, वो आपके सामने रख ले। मुनाफा जो है वो कुछ बढ़ा है 920 करोड़ से बढ़कर, इनफैक्ट 1327 करोड़ रुपए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो है वो दर्ज किया गया है। नेट एनपीए जस का तस बना हुआ है बिना बदलाव के 0.20% पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आया है। जो एनआईआई है नेट इंटरेस्ट इनकम 2432 करोड़ से बढ़ी है, ये फिगर सामने आ रहे हैं। ग्रॉस एनपीए जो है उसमें बहुत ही हल्की मामूली जो है वो कटौती देखने को जरूर मिली है। प्रोविजनिंग पर एक नजर डालें वो भी काफी हल्का ही बढ़ा है 597 करोड़ से, और वो सेम ही है 598 करोड़ तक का यहां पर हम देख पा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से। बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैसा लग रहा है इस लेवल्स पर फिलहाल? तो कमजोरी है अराउंड 0.28% तक के, आधा परसेंट से कम की कमजोरी इस वक्त रेड जोन में ही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे कैसा पैटर्न नजर आ रहा है आपको? हाँ देखिए, स्ट्रक्चर वीक है और लगातार यहाँ पर भी एक लो टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। गिरावट जो है थोड़ी सी गहरा सकती है यहाँ पर भी, और निचले स्तर पर नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लगभग 51 रुपए का है। तो फिलहाल के लिए तो कोई भी लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर लेने की सलाह नहीं होगी। अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजिशन है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगभग 53 रुपए के आसपास निकल के आ रहा है, तो वहां पे रख के एक बार के लिए बने रह सकते हैं। बट 53 का लेवल जैसे ही ब्रीच होगा यहाँ पे गिरावट और गिरा के 50 रुपीज तक के लोअर साइड में लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो बेहतर होगा कि फ्रेश ट्रेड अवॉइड करें और कोई भी पुल बैक अगर मिलता है तो यहाँ पर से भी निकलने की सलाह होगी। ओके, तो रही बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर राय आफ्टर रिजल्ट्स नीरज जी की तरफ से।